जनता कर्फ्यू में इन दिनों बाजार बंद होने के कारण शासकीय अस्पतालों के परिसर में मंत्री तुलसी सिलावट के सौजन्य से गरीबों को भोजन पानी और बच्चों के लिए बिस्किट उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट इस जनता कर्फ्यू में शहर की जनता और गरीबों के लिए लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। मंत्री समर्थक राहुल सिलावट ने बताया कि मंत्री तुलसी सिलावट के निर्देश पर जनता कर्फ्यू के पहले दिन से इंदौर के सभी शासकीय अस्पतालों में लोगों को चाय, बिस्किट, भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। रोजाना 1000 भोजन के पार्सल बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। भोजन वितरण के दौरान कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कर रहे हैं, किनके द्वारा किए जा रहे हैं और कब से ये वितरण किया जा रहा है? वैसा ये जब से लॉकडाउन लगा हुआ है अपना, आप भी जानते हैं लॉकडाउन की स्थिति कैसी चल रही है। जो बाहर के लोग परिजन आए हुए हैं उनके लिए हम, जैसे जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए चाय, बिस्किट, अपना पार्सल, पानी और इन सब चीज़ों की व्यवस्था करी गई है। ये सिलावट जी की ओर से है और ये सब हम कर रहे हैं। रोजाना कितने पार्सल आप बांटते हैं? रोजाना हम 1000 पार्सल बांटते हैं। किस किस क्षेत्र में बांटते हैं, किस ये हम अपना MGM जाते हैं, एक MTH हो गया अपना, एक MY, और जहाँ भी हमको गरीब मिल जाते हैं वहाँ हम बांट देते हैं। किसके द्वारा बांटते हैं? ये सिलावट जी के थ्रू, तुलसी सिलावट जी के। पूरा नाम बताइएगा। तो अमूमन देखा गया है कि बहुत सी संस्थाएं भी ये भोजन वितरण कर रही है, तो अपना क्या विशेष है इसमें, भोजन में क्या दिया जा रहा है? अपना दाल चावल बांट रहे हैं हम, एक अचार दे रहे हैं उसके साथ में, पानी की बोतल और बच्चों के लिए बिस्किट। अच्छा, इस दौरान आप सोशल डिस्टेंस और इस चीज़ का जो सर सभी चीज़ कर रहे हैं हम, ग्लव्स पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं हाथों को बार बार, सुरक्षित ही कर रहे हैं सब चीज़। अपना व्यवस्थित आकाश नाम है मेरा, आकाश से लाऊ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।